होगी नागरिकता। कैदी नंबर 804 हम सबको है कम से क्या। कैदी नंबर 804 पाकिस्तान में पूरी कौम बाहर निकली है। और आज हम ये जो हमारे मैंडेट पर डाका पड़ा, हमारी रिजर्व सीटों को चोरी किया गया, और ये डाका किसने डाला? ये डाका इन सरकारी दफ्तरों में बैठे हुए डाकुओं ने डाला, इन आरओ ने डाला, इन डीआरओ डीसी ने डाला, चालीस चोरों के सरदार सिकंदर सुल्तान राजा डाकू ने डाका डाला। आपने वोट दिया, आपने जिताया, आपने खालिद महमूद को भी जिताया, आपने एहसान खटक को भी जिताया, आपने डॉक्टर मसरूर को भी जिताया, आपने हमारे मरीज के शक्लें देखी है जो सदर पाकिस्तान बन गया सुभान अल्लाह। इस रिजर्व पर जो वजीर आजम बन गया लालू के इस रिजर्व के ऊपर, और ये जो हमारी सीटें चोरी करने वाले 5 सीटें 6 सीटें पीपल पार्टी और 15-17 सीटें एमटीएम, और उसके बाद 38 एमपीए की सीटें ये छीनने वाले जब बैठते हैं इस समय में ऐसे जाते हैं जैसे कोई चोर जा रहा हो, चोरों की तरह जाते हैं। और इधर ये हमारे साथी शेरों की तरह खड़े होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हामिद भाई ने बड़ी माशाल्लाह, मैं कहता हूं ये किरदार है जो मैं की बात कर रहा हूं, मैंने कहा ये वो किरदार है जिन्होंने साबित किया है कि पार्टी के साथ खड़े होना होता है। तो कमल राशिद भाई से हमने कहा पूरे पाकिस्तान में है, और मैं कहना चाहता हूं वो डायन वो चुड़ैल इस वक्त भी मुझे पता चला है कि लाहौर जीपीओ में हमारे कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं अगर सबक नहीं सीखा तो सबक सीख लो। तो हमने इमरान खान को वोट दे दिया, पूरी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है, और आज हम अपने जो डाका हमारे मैंडेट पे मारा गया, जो चोरी हमारे मैंडेट की गई, उसके खिलाफ पूरी कौम सराबा एहतजाज है। मैं कहना चाहता हूं ये तजर्बा नहीं चलेगा, और कितने इम्तहान लेना चाहोगे? हम इंशाल्लाह इमरान खान वजीर आजम बनेगा, ये तमाम लोग असेंबली में होंगे, ये भुखले भी मजबूत होंगे, ये जवान भी मजबूत होंगे, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसकी टीम को जिन्होंने आईन से गद्दारी की है आर्टिकल 6 लगाकर फांसी के फंदों पर लटकाएंगे। तुम डराते हो जेल से, फांसी के खोली से, मैं 5.5 महीने रहकर आया हूं, और जिस
जिसको डाल रहे हैं जेल में डालो, जब तक इमरान खान नहीं आएगा हम लड़ते रहेंगे इंशाल्लाह। तुम्हें कहना चाहते हो हमारा बैंक चोरी किया गया है, हमारी सीट पे डाका डाला गया है और कौम की ख्वाहिशात के खिलाफ हमारे कप्तान आपके कप्तान इमरान खान साहब को जबरदस्ती जेल में रखा गया है। तो आज मैं भी जिला मंडल से आया हूँ, पूरे पाकिस्तान में कौन शराबा एहतजाज है, मेरे कराची में सात जिला में मुजाहरे जारी है। हम कहते हैं हमारे कप्तान इमरान खान ने हमें आईन के तहत दायरे में जद्दोजहद करना सिखाई है और हम समझते हैं हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया है, हमारा मैंडेट चोरी किया गया है, हमारी रिजर्व सीट्स पे डाका डाला गया है और कौम की ख्वाहिशात के बरखिलाफ हमारे कप्तान आपके कप्तान इमरान खान साहब को जबरदस्ती कैद में रखा गया है। तो आज मैं भी जिला मलीर से आया हूँ, पूरे पाकिस्तान में कौम शराबा एहतजाज है, ऑलराउंडर हो रहा तू मैं, शहर कराची में सात अजला में मुजाहरे जारी है। हम कहते हैं हमारा हक जो छीना गया, हमारा एमएलए इस इलाके का जो आपके वोटों से एमएलए है वो हमारे एडवोकेट हारिस मेओ साहब है, ये जो घुसपैठिया की जगह आया है हम कहते हैं शराबों से सभी छोड़ दो, वरना ये ना हो के हल्के के आवाम के साथ निकले और गर्दन से पकड़ के असेंबली से बाहर उठा के बैठे। हमारे उम्मीदवार हमारे एमएलए, जब मैं कहता हूँ एमएलए तो ये हमारे एमएलए है, सैफुरहमान साहब हमारे हल्का 235 के एमएलए हैं, बशीर सोलर साहब हल्का 97 के एमपीए है, जान शेख साहब हमारे हल्के अपने 98 के एमपीए हैं और दीगर भी हमारे उम्मीदवार मौजूद है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आज इस शहर कराची में भी जगह जगह मुजाहरे हो रहे हैं और एक ही आवाज है कि हम अपने कप्तान की रिहाई तक हम आराम से नहीं बैठेंगे, हम चैन से नहीं बैठेंगे। कौन ने इमरान खान के हक में फैसला कर दिया है, इलेक्शन कमीशन कौन होता है, हमारे मैंडेट पे डाका डालने वाला, इस आवाम के मैंडेट पे डाका डालने वाला, हमारे सामने हमारे एमपीए जमाल सदीकी साहब भी मौजूद है जो इस इलाके से एमपीए है, हमारे अरसलान साहब पी एम पी ए है इस इलाके से मौजूद है, जैन परवेज साहब ही हमारे एम पी ए 99 से वो भी यहाँ मौजूद है, हमारे एमएलए 237 के सऊद मसरूर साहब भी यहाँ मौजूद है, जान शेख सूर्यदेव भी मौजूद है। तो मैं कहना चाहता हूँ ईस्ट के अवाम में, शहर के अवाम में, सिंध के अवाम में, पाकिस्तान के अवाम में।